मेरा नाम नवीन कुमार है और बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूँ। 8 नवंबर 2022 को ड्यूटी जा रहा था मैं। ड्यूटी जाते वक्त मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, मेरठ रोडवेज गाड़ी से होने के बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं रहा, किसी ने मेरे घर पे फ़ोन किया तो मेरा बेटा आया। अब मेरे बेटा मुझे वहाँ से एक राणा हॉस्पिटल है उसमें एमरजेंसी में लेके गया। उन्होंने पट्टी बांधा मुझे, पट्टी ड्रेसिंग करने के बाद मुझे फिर सीधा सेक्टर 27 में जो मेन हॉस्पिटल है कैलाश उसके लिए रेफर किया मुझे। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ऑर्थो थे, एक वी के गोयल साहब और एक डॉक्टर मुकेश कुमार सर्जन है। वो राइट पैर था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था उंगलियों में, और जो मेरी टांग की हड्डी थी, जो मेन हड्डी होती है घुटने से ऊपर, 2 जगह से टूट चुकी थी। फिर भी उन्होंने ट्रीटमेंट 24 घंटे मुझे इस हिसाब से दिया कि 24 घंटे बाद मेरे पैर की उंगली कुछ हरकत करने लगी, कुछ चली। डॉक्टर ऑर्थो ने पहले मेरे हड्डी का ऑपरेशन उन्होंने किया और बहुत अच्छे से किया, कि जो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर जख्म काफ़ी थे, बहुत ज़्यादा चोट थी, तो सर्जन का काम था। डॉक्टर मुकेश आए, उन्होंने फिर देखा, उन्होंने हैंडल किया मुझे, और करीब 3-4 बार उनको सर्जरी करनी पड़ी और सक्सेसफुल रहा, ठीक रहा। लास्ट में करीब 3 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चला कैलाश हॉस्पिटल में। 3 महीने चलने के बाद अब मुझे इतना है कि वो मेरा पैर बिल्कुल ठीक ठाक है। जो सर्जरी करी थी, सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, कोई कहीं से छुट्टी नहीं या कोई शिकायत आती है उसमें, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। और डॉक्टर मुकेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से, उनका तो बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छी तरीके से मेरे पैर को ठीक किया है। और कैलाश हॉस्पिटल का तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, कि जिसमें आने के बाद मेरी टांग बच गई। नहीं, मुझे तो एक बार को यही लगा था कि मेरा पैर ख़त्म ही है, कट जाएगा। और अब थोड़ी बहुत परेशानी है तो फिर डॉक्टर साहब देख रहे हैं, और कोई मुझे खास परेशानी नहीं। मैं चल रहा हूँ, लेटरिन बाथरूम खुद चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, यही कहना चाहूँगा मैं। और कैलाश हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ के लिए तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.